भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं हूं आपका योगेश सर और पर्यावरण अध्ययन का यहां पर मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं जो कि आपके टेट एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा इसमें कल हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जो हम जीके पढ़ते हैं जब हम इस टेट जीके जी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और टेट एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी कई सारी संस्थाएं हैं उसने कई सारे मैंने आपको बताया था कई सारे संगठन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उसने बना रखे हैं वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में अलग अलग टॉपिक्स पर काम करते हैं तो मैं आज आपको यूनाइटेड नेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में बताऊंगा केवल इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में बताऊंगा और उन संस्था में कितने देश शामिल हैं वो बताऊंगा इसके अलावा चार से पांच में आपको पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के बारे में बताऊंगा जो संस्थाएं केवल पर्यावरण के क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर वीडियोस के नोटिफिकेशन वीडियोस के लिंक आपको दे दिए जाते हैं वहां पर हमारे तेरह से चौदह हजार सब्सक्राइबर हैं वही हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसी में जुड़िएगा इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाइए प्ले प्ले स्टोर पर जाके डी के अकेडमी सर्च करिए डी के अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स पी डी एफ नोट्स स्पीड टेस्ट मुक टेस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ संस्थाओं के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो बनाई है उन्होंने वर्ल्ड बैंक जैसे इंडिया में कई सारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एच डी एफ सी बैंक है एक्सिस बैंक है कई सारी बैंकें हैं ऐसे ही पूरे विश्व भर में मंदी से मंडी निपटने के लिए पूरे विश्व भर की सभी देशों की गरीबी से निपटने के लिए एक वर्ल्ड बैंक बनाई गई है इसको बोलते हैं विश्व बैंक ठीक है आप देख सकते हैं ये देखिए ये इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वर्ल्ड बैंक है और हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और ये ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि मुख्य कार्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है किसी भी संस्था का आपसे हेडक्वार्टर ही ज़्यादातर पूछा जाएगा तो वाशिंग वाशिंगटन डी एक शहर का नाम है जो कि कहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका में एक शहर है वाशिंगटन डी सी वहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अब इसकी स्थापना की गई थी 1944 में 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई थी क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे देश तो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं लेकिन कई सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं वहाँ पर मंदी का दौर काफ़ी ज़्यादा होता है भुखमरी होती है गरीबी होती है तो उन सभी को लोन प्रोवाइड करना उनको गरीबी से दूर करना मंदी को उबारना उनकी देश की सारे काम कौन करता है वर्ल्ड बैंक करती है विश्व बैंक ठीक है और कई सारे कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती है जैसे आपने समय समय पर सुना होगा भारत ने आ, ट्वेंटी टू हंड्रेड बिलियन का लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से कभी किसी बैंक से तो कई सारी बैंकें हैं जैसे ये वर्ल्ड बैंक है पूरे उसमें क्या कर करती है जैसे एशिया की अलग बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक बनाई गई है और वन कंट्रीज इसमें शामिल हैं वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है वन ठीक है याद रखेंगे 189 एट्टी नाइन की मेम्बर कंट्रीज हैं इसकी स्थापना उन्नीस सौ चवालीस में है इसका हेडक्वार्टर याद रखना वॉशिंगटन डीसी में है आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन तो फाइनेंस से संबंधित है यानी ये भी क्या करती है लोन प्रोवाइड करती है जैसे जैसे ये इसकी स्थापना करी गई थी जैसे जो आपका विश्व युद्ध हुआ था जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में 1914 से लेकर 1918 तक चला था आपको पता है चार साल तक उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ था नाइनटीन से थर्टी से फोर्टी तक तो फोर्टी से थर्टी के बीच में क्या है विश्व युद्ध चला कई सारे देश गरीबी आ, के वहां पर आ आगे कि गरीबी बहुत ज्यादा फैल फैल गई आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान होता है जब विश्व युद्ध होते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई गई अब ये क्या करती है लोन देती है कई सारी संस्थाओं को लोन देती है ये कई सारे देशों को लोन देती है ये भी हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डी सी में बनाया गया है याद रखेंगे आई यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन ठीक है तो बना लिए गए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी अमेरिका के यूएसए में है ठीक है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है 1956 जुलाई 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी एक देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम क्या है लोन वगैरह लेते रहते हैं तो याद रखेंगे ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अब बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये एशियन डेवलपमेंट क्या है जैसे पूरा वर्ल्ड है तो उस वर्ल्ड में क्या है कई सारे महाद्वीप हैं जैसे यूरोप एक महाद्वीप है यूरोप में कई सारे कंट्रीज आते हैं ऐसे ही अफ्रीका है अफ्रीका में कई सारे देश आते हैं तो ऐसे ही एशिया एक महाद्वीप है तो एशिया में भी कई सारे देश आते हैं और हमारा इंडिया पाकिस्तान सारे जो देश हैं एशियन कंट्रीज में आते हैं तो एशियन कंट्रीज ने मिलकर क्या किया है उन सभी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक बना ली है जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए कभी लोन लेना पड़ता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से सारे देश लोन ले सकते हैं टोटल 67 देश हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम क्या है इससे लोन लेते रहते हैं अगस्त 2000 सॉरी अगस्त 1966 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी ठीक है तो हमारी जो एशियन कंट्रीज हैं उसके लिए कौन सी बैंक है उसके लिए है एशियन डेवलपमेंट बैंक अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे एशियन यानी कि एशियाई डेवलपमेंट यानी कि विकास बैंक तो एशियाई विकास बैंक ठीक है किसके लिए है एशियन कंट्रीज के लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अच्छा ये इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में फिलीपींस जो देश है वह उसकी राजधानी है मनीला तो मनी मली, मनीला मनीला जो शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है याद रखेंगे मुख्य कार्यालय कहाँ है इसका मनीला में चलिए यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कई सारे संगठन बनाए गए हैं आ, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तो संयुक्त राष्ट्र ने कई सारे संगठन बनाए हैं उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दुनिया भर में वो होंगी Uh, समस्याएं उनको कौन टैकल करता है उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने वो डब्ल्यू एच ओ की तरफ से यह जैसे कोविड नाइनटीन कोरोना का भी वो चल रहा है ठीक है तो कोरोना के लिए आपने गाइडलाइंस देखी होंगी वर्ल्ड एच ओ डब्ल्यू एच ओ की तरफ से नई गाइडलाइन आपको यूट्यूब पर भी दिख जाएंगी कि डब्लू एच ओ की तरफ से नई गाइडलाइन आई है डब्ल्यू एच ओ की तरफ से नई न्यूज निकल के आई है डब्लू एच ओ ने ये बोला है कि ये काम नहीं करेगी दवाई डब्ल्यू एच ओ ने वो बोला है तो डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो पूरे देश में उसको उससे निपटती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलती है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ठीक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसके जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय बनाया गया है वहां से चीज़ों को ये ऑपरेट करते हैं ठीक है याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों 1948 में इन सभी की स्थापना वर्ष भी आप याद कर लीजिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैंने केवल वही रखी हैं इसको आप याद कर लीजिए 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसके अलावा एक कंट्रीज एक कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रीज को ऑपरेट करता है जिनके लिए कई सारी गाइडलाइंस वगैरह जारी करता रहता है तो एक जो देश हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं चलिए यहां से इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो श्रमिक होते हैं उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है आपने देखा होगा कई सारे श्रमिक हैं जो काम करते हैं दिन भर तो उसको बोलते हैं आई एल ओ विश्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका जो हेडक्वाटर है वो है जिनेवा में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी इसका हेडक्वार्टर देखिए तीन चीजें आप याद कर लीजिए एक डब्ल्यू एच ओ आई एल ओ डब्ल्यू एच ओ आई एल ओ और डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वो ट्रेड से संबंधित है व्यापार से संबंधित है तो डब्ल्यू एच ओ डब्लू टी ओ आई एल ओ इन तीनों को याद कर लीजिए इन तीनों का जो हेड क्वार्टर है मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है वो जेनेवा में है ठीक है याद कर लीजिए डब्ल्यू एच ओ डब्लू टी ओ आई एल ओ ठीक है अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसकी स्थापना करी गई थी उन्नीस सौ उन्नीस में ठीक है 1919 में इसकी स्थापना करी गई थी और अभी तक इसके एक जो देश हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं ठीक है अपना जो इंडिया है लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है इसका ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लेबर के लिए फिर इसने क्या किया है कि एक अलग से लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस लाए गए हैं जैसे कई सारे डे होते हैं हमारे रक्षाबंधन डे ये सॉरी रक्षाबंधन पृथ्वी दिवस जल दिवस और भी हमारे कई सारे हैं दो अक्टूबर अहिंसा दिवस तो ऐसे ही श्रमिकों के लिए एक दिन बनाया गया है आ, इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस वो बनाया जाता है दोस्तों एक मई को तो इसके नीचे वो भी लिख लीजिए एक मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है ठीक है उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी एक क्या है इसके देश इसमें शामिल हैं तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तीनों के नाम आप याद रखेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ आई ओ इन सभी के जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय कहां पर है जिनेवा में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक है यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बच्चों के लिए बनाई गई है कि यहाँ पर बच्चे हैं क्या है उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या फिर कुपोषण का शिकार है बच्चे उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है तो पूरे विश्व भर में बच्चों की देखभाल के लिए यूनिसेफ नामक संस्था बनाई गई है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड अभी ये जो इसकी डेफिनेशन है वो पूरी पहले थी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड तो ये पहले थी अभी इसकी जो वो है फुल uh, फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड तो ये भी आप याद कर लीजिए इसके अलावा यूनिसेफ की अब वो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए मैं आपको बता देता हूँ आप लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड ठीक है तो ये भी आप याद कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क कहाँ पर है अमेरिका में तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का क्या है मुख्य कार्यालय है यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर 1946 में ठीक है याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी और एक देश इसके जुड़े हुए हैं कितने मेंबर हैं इसके यूनिसेफ के एक सौ एक सौ इक्यानवे ऐसे देश हैं जो यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं जिन देशों में यूनिसेफ क्या है कार्यकर्ता रहता है तो आपने देखा होगा कि कई सारे वो होते हैं कि बच्चों के अधिकार यूनिसेफ़ युनिस, की तरफ से क्या हैं या फिर आपने देखा होगा जब आप बाल विकास पढ़ते हो या फिर पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हो तो उसमें कई कई जगह आपको डेफिनेशन दिख जाएगी कि यूनिसेफ के अनुसार क्या डेफिनेशन है बाल विकास की ठीक है तो बा, बाल केंद्रित शिक्षा की यूनिसेफ के अनुसार डेफिनेशन क्या है तो इस तरह से संगठनों की डेफिनेशन भी आपको वहां पर दिख जाती है तो वही है ये यूनिसेफ ठीक है बच्चों के लिए काम करता है आगे बढ़ते हैं सार्क सार्क कंट्रीज हैं इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन अच्छा इसको बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं इसको नाम दिया गया है दच्छेस ठीक है जो साउथ जैसे हमने बोल दि, बोल दिया कि एशिया में हम आते हैं तो एशिया में तो कई सारी कंट्रीज आती हैं लेकिन उसमें भी साउथ यानी कि दक्षिण में जो कंट्रीज आती हैं उनका एक कोऑपरेशन बनाया गया है जिसको बोलते हैं सार्क सार्क को हिंदी में बोलते हैं दच्छेस दच्छेस इसको हिंदी में बोलते हैं और इसका जो हेडक्वाटर वो बनाया गया है नेपाल के काठमांडू में नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है टोटल आठ कंट्री इसमें शामिल हैं आठ देश इसमें शामिल हैं और ये कब बनाया गया उन्नीस में 1985 यानी कि उन्नीस सौ पिचासी में दक्षेस की स्थापना करी गई थी नेपाल के काठमांडू में इसका हेडकॉर्टर है आठ कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं भारत के आप पड़ोसी देश देख रहे हैं उसमें आप उसको हटा दीजिए चाइना को चाइना इसमें शामिल नहीं है इसके अलावा मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान और इंडिया तो ये कुछ आठ कंट्रीज़ हैं जो कि दक्षेस के सदस्य हैं ये आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर याद रखना बस काठमांडू के नेपाल में है ठीक है और ये कंट्रीज़ भी याद रखना आगे बढ़ते हैं फूड अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं पर्यावरण से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बता देता हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है भोजन और कृषि के क्षेत्र में ये काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है इटली जो आप शहर सुनते हैं इटली जो कि यूरोपियन कंट्रीज है इटली इटली के रोम में इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों 1945 में याद रखेंगे एफ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब करी गई थी 1945 में इसके कितने सदस्य देश हैं वन नाइन सेवन एक सौ सत्तानवे इसके सदस्य देश हैं ठीक है 197 नाइन सेवन इसके क्या है सदस्य देश हैं तो ये जो संस्था है वो फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि एक एफ ए संस्था है जिसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी तो अभी जो संस्थाएं आएंगी वो पर्यावरण पर्या, आपके पर्यावरण से ही संबंधित आएंगी देखिए पर्यावरण से संबंधित एक एक ये भी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम तो ये क्या काम करती है जो एनवायरमेंट के लिए काम करती है जो भी हमारा पर्यावरण है पूरे पर्यावरण की देखरेख के लिए उसमें क्या चीज़ें उसमें क्या हो रहा है ठीक है कितना ऑक्सीजन है कितना सारी चीज़ें सारी चीज़ों काम है कितना प्रदूषण हो रहा है कहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है सारी चीज़ें यू करती है इसकी ठीक है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम पर्यावरणीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम इसको हिंदी में बोलेंगे इसको लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है केन्या के नेरूबी में केन्या के नेरूबी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है उन्नीस सौ में इसकी स्थापना करी गई थी और एक देश हैं जो इसमें शामिल हैं ठीक है तो इसको याद कर लीजिए एक देश हैं यू में शामिल हैं आगे बढ़ते हैं कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं जैसे भारत की कुछ सक्रिय संस्थाएं हैं भारत की कुछ ही ऐसी सक्रिय संस्थाएं हैं जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती रहती हैं जिसमें सबसे बड़ी है गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसकी स्थापना करी गई थी 2009 में इसको किस लिए इसकी स्थापना करेगी कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए और आप देख सकते हैं अभी तक गंगा नदी स्वच्छ तो नहीं हुई है ना कोई साफ हुई है गंगा नदी कुछ नहीं हुआ कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी कितने भी आंदोलन चले लेकिन क्या है गंगा जो नदी है माँ गंगा है वो अभी तक की कोई साफ नहीं कर पाया कई सारी आपको पता है इंडिया का आपको पता है कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है हर चीज में तो इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाता है इसका नाम है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कब करेगी थी स्थापना दो में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के लिए बनाया गया है ये जंगलों की देखरेख करता है कितने जंगल हैं कितने कट रहे हैं क्या क्या हो, क्या हो रहा है जंगलों से संबंधित पेड़ पौधों से संबंधित सारी चीजें ये करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय है, वन सर्वेक्षण विभाग ठीक है तो ये ये आप याद कर लीजिए 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी ठीक है 1981 में इसकी स्थापना करी थी अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ इस प्रश्न का जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में जो इस प्रश्न का जवाब देगा आ, तो मैं सारी कमेंट्स बताऊंगा आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है कल हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ और आज पढ़ी है उनकी कुछ संस्थाएं इसी से मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दिवस भी मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को 12 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को कब मनाया जाता है नीचे कमेंट्स में अपना आंसर करिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है चलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है नीचे कॉमेंट्स करके अपना आंसर करिएगा मैं बढ़ता हूं दूसरे प्रश्न की तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जो ऐसे इंडिया के कौन से व्यक्ति थे जो यूनाइटेड नेशंस में वहां पर गए और अपना भाषण हिंदी में दिया कौन है बताइए अटल बिहारी वाजपेयी हैं, महात्मा गांधी हैं, सरोजनी नायडू हैं या फिर विजय लक्ष्मी पंडित हैं बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन है दूसरे वाले का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारतीय थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और अपना भाषण कैसे दिया हिंदी में भाषण दिया ठीक है महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू से कोई मतलब नहीं है विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला महासचिव बनी थी ठीक है संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला महासचिव कौन बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित और अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे जिन्होंने पहला अपना भाषण हिंदी में दिया था आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ जो मैंने आपको अभी बताया यूनिसेफ अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या फिर चिल्ड्रंस फंड इसी को कहते हैं कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है रूस में है न्यूयॉर्क में है या फिर जिनेवा में है चलिए आंसर नीचे कमेंट्स करिए और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो है न्यूयॉर्क ठीक है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क में तो तीसरे वाले का आंसर क्या है तीसरा थर्ड का आंसर है थर्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं दस हज़ार बीस हजार बारह हज़ार या फिर आठ हजार बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने कर्मचारी काम करते हैं दस हज़ार बीस हजार बारह हज़ार आठ हज़ार चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन दस हजार लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संस्था है उसके मुख्यालय में काम करते हैं ठीक है चौथे वाले का जो आंसर है वो वन है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है ऐसा कौन सा संगठन है जो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ गया था बताइए नीचे कमेंट करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व बैंक यूनिसेफ या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा कौन सा संगठन था जो संयुक्त राष्ट्र सबसे संयुक्त राष्ट्र संघ से सबसे सब पहले जुड़ गया था सबसे पहला विशिष्ट यानी कि इंपॉर्टेंट था चलिए पांच वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला पहला इंपॉर्टेंट संगठन था तो दोस्तों पांच वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन है तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था लेक्चर यहीं तक है मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनों के बारे में बताया इनको आप रट लीजिए प्रत्येक संगठन जो भी मैंने आपको बताया उसकी फुल फॉर्म रट लीजिए इसके अलावा उसका मुख्यालय कहाँ पर है वो रट लीजिए किस तन, कितने देश उसमें शामिल हैं वो रट लीजिए और हो सके तो डेट भी याद कर लीजिएगा और ये उससे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लगे थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है आप इस वीडियो को सभी एक साथ लाइक कर दें एक साथ सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद